सर्वे का पूर्वानुमान आया है और जिस ढंग से लगा है कि भारत में एक बार फिर यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की सरकार बन रही है, मैं भगवान से कामना करता हूँ ये सरकार फिर भारत को आगे बढ़ाने में सिद्ध हो। यशस्वी प्रधानमंत्री पूरे देश को न केवल दुनिया का नंबर वन का देश बनाना चाहते बल्कि लोकतंत्र के गौरवान्वित करने वाला अवसर भी है। मेरी अपनी ओर से मदुरई वासियों को, तमिलनाडु वासियों को, मध्य प्रदेश सरकार की ओर से भी बधाई और ये प्रेम हमारा बना रहे। मैं यही कामना करते हुए भगवान से कामना करता हूँ कि हमारी हिंदू सनातन संस्कृति के झंडा लगातार लहराता रहे। और मेगा एग्जिट पोल में नवीन पटनायक राज्य ओडिशा क्या कह रहा है? मेगा एग्जिट पोल की तस्वीर 21 सीटों को लेकर एग्जिट पोल में क्या निकल कर सामने आया है? बीजेपी को 13 से 15 सीटें एग्जिट पोल दिखा रहा है, बीजेडी को 6 से 8 सीटों का अनुमान, 12 सीटें थी बीजेपी के पास, बीजेडी के पास पाप की जगह पिछली बार 6 से 8, यानी कि बीजेडी को नुकसान, बीजेपी को बढ़त यहां पर दिख रही है। ओडिशा की 21 सीटों का ये एग्जिट पोल हम आपको बता रहे हैं। और अब मेगा एग्जिट पोल झारखंड को लेकर क्या कह रहा है, आइए वो आप जान लेते हैं। झारखंड की तस्वीर क्या है? न्यूज 18 का ये मेगा एग्जिट पोल झारखंड को लेकर 2019 में 14 सीटें झारखंड के अंदर लोकसभा की, एनडीए के पास 12 सीटें, 55% से ज्यादा का वोट बैंक एनडीए को मिला था, यूपीए गठबंधन उस समय का 2 सीटें 30% के आसपास रहा वोट बैंक, लगभग 31% के आसपास मान लीजिए। और इस बार मेगा एग्जिट पोल की तस्वीर क्या कहेगी वो हम आपको बताएंगे। खास मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन यहां मैं आपके पास आऊंगी। उमेश घोरमोड़े जी, अभी कुछ देर पहले यशपाल जी गिना रहे थे कि इसके खिलाफ की जीत है ये, उसमें से एक मुद्दा था परिवारवाद का, लेकिन परिवारवाद को लेकर आप लोग कांग्रेस पर हमलावर रहते हैं, आरजेडी पर हमलावर रहते हैं, बाकी एसपी अन्य पार्टियों पर हमलावर रहते हैं, लेकिन एक आंकड़ा आपके सामने रख रही हूं, बीजेपी के 442 उम्मीदवारों में से इस बार 110 पॉलिटिकल फैमिली से थे, क्या कहेंगे आप, ये परिवारवाद नहीं है क्या? देखिए, परिवारवाद और परिवारवाद के इर्द गिर्द उस पूरे राजनीतिक दल की राजनीति का चलना और केवल परिवार के आधार पर, इस आधार पर कि माँ अध्यक्ष थी तो बेटा अध्यक्ष हो जाएगा, सास अध्यक्ष थी तो बहू अध्यक्ष हो जाएगा, पति अध्यक्ष था तो उनकी पत्नी अध्यक्ष हो जाएगी, ये एक परसेप्शन है। और दूसरा, जिस हिसाब से आप जिक्र कर रहे हैं, ठीक है, एक परिवार में क्या एक टीचर का बेटा टीचर नहीं हो सकता? एक जिस प्रकार से आप एंकरिंग कर रही हैं कल न्यूज़ 18 के अंदर में, आपके परिवार से कल कोई नहीं आ सकता, लेकिन उसमें फर्क है अपने टैलेंट, अपने परफॉर्मेंस, जमीन में खपने के बाद, जनता के बीच कार्य करने के बाद, एक कार्यकर्ता के रूप में लगातार संघर्ष करने के बाद, उस पैमाने पर अपने आप को तपा करके जनता के बीच में यदि कोई जाए और फिर चुनाव में उतर करके, चुनाव जीत करके निकल करके आए, तो इन दोनों में फर्क होता है। और मुझको लगता है कि देश की जनता ने इस फर्क को साफ कर दिया है और इसीलिए बीते दो चुनाव से आज परिवारवाद के आधार पर बात करने वाले, चाहे कांग्रेस की बात करें, चाहे सपा की बात करें, या फिर लालू यादव जी के परिवार के विषय की बात करें, इन तमाम लोगों को जनता ने स्थानीय स्तर पर भी और देश के स्तर पर भी सबक सिखाने का काम किया है। अर्थात साफ है कि जनता भी परिवारवाद की राजनीति को स्वीकार नहीं करती है और हम इसीलिए इस विषय को कहते हैं। और ये केवल आज का विषय नहीं है, यदि हम या कोई भी इस प्रकार की परिवारवाद की राजनीति को बढ़ावा देगा तो जनता प्रबुद्ध है, निश्चित तौर पर जनता उसको अपने पैमाने पर वहां से बाहर करने का, बाहर का रास्ता दिखाने में सक्षम है। और जिस प्रकार से अभी इस एग्जिट पोल में आपके अलग अलग राज्यों का भी नतीजा आ रहा है, जिस प्रकार से मैं अभी देख रहा था उड़ीसा में हमको बढ़त दिख रही है, उत्तर प्रदेश के अंदर